हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त मोनिका आज आपके सामने फिर से एक यूज लेके आई हूँ। तो ये डिज़ाइन मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था फ्रेंड, तो आज मैं इसी का आपको यूज बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा डिज़ाइन है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बनाना सिखाया था। तो आज हम इसका आसन बनाएंगे। तो ये देखिए, पीस मेरा तैयार हो गया है और मैंने इस पर अच्छे से प्रेस कर लिया है ताकि मेरा कोई भी सलवट वगैरह ना रहे। तो ये हो गया फ्रेंड्स। तो ये मेरा एक पुराना पीस है जो मेरे पर्दे का रखा हुआ था फ्रेंड। तो ये बहुत हैवी थिक कपड़ा है, तो हम इसको इसी में जॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को बिछा लेते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया। और इसे थोड़ा और मोटा बनाने के लिए यमने पीस ले लिया जो हम इसके ऊपर बिछा देंगे। ये मेरा एक्स्ट्रा पीस ही पड़ा है फ्रेंड्स, और ये दो पीस हैं। तो ये कपड़ा मेरा अच्छा क्वालिटी का नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको अंदर यूज किया जाए। तो ये हो गया फ्रेंड्स। फिर इसके बाद हम इस कपड़े को बिछाएंगे। ये देखिए, हम इसको बीचों बीच रख लेंगे। और जो भी मेरा ये एक्स्ट्रा है इसको हम बाद में कट कर लेंगे, पहले हम डिजाइन सेट करेंगे। तो जितना भी हमारा ये हमारा एक एक डेढ़ डेढ़ इंच का बाहर निकला हुआ पीस है, तो इसको हम बाद में कट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन सारे इस पीस के ऊपर हम पिन लगा लेंगे। तो हम ये हमारी पिन हो गई, तो हम इस सारे इन पे अच्छी तरीके से जॉइंट कर लेते हैं। तो मैं सब पिन लगा लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पर सब पे पिन लगा लिया है, और ये मैंने इतना इतना एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। तो मेरा चारों तरफ से इतना इतना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हो गया है फ्रेंड्स। ये देखिए, अब पिन भी हमने लगा ली है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम सीधे सीधे सिलाई लगा लेंगे। जैसे ऐसे हमने इन जोड़ पे जॉइंट पे सिलाई लगा लेंगे सीधे सीधे इस तरीके से। फिर जब हमारी इस डायरेक्शन में सारी सिलाई लग जाएंगी, तो फिर उसके बाद हम इधर सिलाई लगाना शुरू करेंगे इस तरीके से। तो ऐसे ही हम पहले इस डायरेक्शन में लगा लेंगे, फिर इस डायरेक्शन में लगा लेंगे, तो ये हमारा कपड़ा अच्छी तरीके से जॉइंट हो जाएगा। तो मैं सिल लेती हूँ फ्रेंड्स। और हाँ, मैंने ये कुछ पट्टियाँ काट के रखी हुई हैं फ्रेंड्स, जो मेरी 4-4 इंच की हैं। तो ये हम लास्ट में बॉर्डर ऐड करेंगे। तो ये मैंने 3 पट्टियाँ ले ली हैं बड़ी बड़ी। तो जितनी भी हमारी यूज होगी हम यूज कर लेंगे, और बाकी की जो एक्स्ट्रा होगी हम उसको कट कर लेंगे। तो ये मैंने पट्टियाँ ले ली हैं, तो मैं इसको पहले सिल लेती हूँ फ्रेंड, फिर उसके बाद हम इन पट्टियों का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई लगा ली है, और ये हमारा पूरा फिनिशिंग से बिल्कुल फिट बैठ गया है। बिल्कुल भी कोई सलवट वगैरह नहीं है, और ना ही ये कपड़े में। ये देखिए, पीछे से ही हमने सिल दिया है, और कोई भी देखिए ये नहीं हटेगा। तो बिल्कुल फिनिशिंग से हो गया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड, अब हम इसमें ये पट्टियाँ जॉइंट करेंगे। तो मैंने बताया था कि मैंने 4 इंच की पट्टी ली है फ्रेंड्स। तो पहले हम इधर सिल लेंगे, और इस वाले कोने से सिल लेंगे, फिर बाद में हम ये इधर की पट्टी जॉइंट करेंगे। तो हम ये सिल लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पट्टी सिल ली है। ये देखिए फिनिशिंग से ये आ गई पट्टी। अब इस पट्टी को हम इसके ऊपर जॉइंट कर लेंगे। तो पहले हम अच्छे तरीके से सेट कर लेते हैं। ये देखिए, अब हम इसी को ही जो हमने सिलाई लगाई थी इस सिलाई से थोड़ा सा आगे इस तरीके से हम यहाँ पूरे इस पर पट्टी जॉइंट कर लेंगे। तो ऐसे ही हम इधर कर लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये भी हमारी पट्टी जुड़ चुकी है। तो इसे भी हम इस तरीके से मोड़ लेंगे। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा अच्छे तरीके से सिल गया है। ऐसे ही हमारी ये पट्टी भी अच्छे तरीके से सिल गई है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ वाली पट्टी लेंगे, और हमारी एक पट्टी ये रह गई। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड, तो ये पट्टी ले लेंगे हम। तो इस पट्टी को हम इस तरीके से जॉइंट करेंगे। ये जो हमारा
ये जो हमारा इस पट्टी को इस तरीके से रख लेंगे और यहाँ से हम ये आधा इंच इस तरीके से मोड़ देंगे, तो ये पट्टी हमारी यहाँ आनी चाहिए सीधे के उस पर, और ये हो गया। और फिर हम यहाँ पर इतना हम छोड़ गए हिस्सा और यहाँ हम सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। और जब हमारा ये लास्ट में जितना हमारा पीस लगेगा, फिर उसके बाद हम इसको यहाँ से थोड़ा कट कर देंगे और आधा इंच इसको पलट देंगे। तो मैं पहले कट कर लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन पे पिन लगा ली है और ये हमारा हो गया। तो ऐसे ही हमें फिर इसको सिलने के बाद हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि नीचे की सिलाई देख लेंगे फ्रेंड्स कहाँ लगी हुई है। फिर वहीं हम सिलाई लगाने के बाद हम इसे फोल्ड कर देंगे। तो हमारा ये भी हो गया फ्रेंड्स, और ऐसे ही हमने इस पर भी पिन लगा ली है, और अब हम ऐसे ही इसको यहाँ से सिल देंगे फ्रेंड्स। तो मैं आपको इसे सिल के दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सिल लिया है। अब इसको देखिए, ये जो मैंने कोने इस तरीके से रखे थे, ये इस तरीके से आ जाएंगे मुड़े हुए। तो ऐसे ही इस तरीके से भी मुड़े हुए आ गए फ्रेंड्स। तो ये चीज़ हमारी हो गई। तब ऐसे ही इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमारी जो ये सिलाई है, हमें इस सिलाई से थोड़ा सा आगे लेना है। तो हम ऐसे ही सिल लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, हम यहाँ पिन अप कर लेते हैं, जिससे कि हमारा हमें पता रहे कि हमें कैसे सिलना है। तो ऐसे ही हम इसको सिल लेंगे फ्रेंड्स इसी तरीके से, और ये हमारा जो मुड़ा हुआ आ गया, ये हमारा अंदर फोल्ड हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा देखिए इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। तो मैं यहाँ से पूरा सिल के कंप्लीट कर लेती हूँ फ्रेंड्स, और दूसरा हिस्सा भी सिल लेती हूँ, फिर मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा कंप्लीट हो गया है, और देखिए कितना खूबसूरत तैयार हो गया है मेरा आसन। देखिए, हर चीज़ अच्छे तरीके से फिनिशिंग से तैयार हो गई है। तो आपको मैं इसे थोड़ा और बड़ा करके दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना खूबसूरत आसन बनके तैयार हो गया है, और इसकी लेंथ ये हमारा 24 इंच तैयार बैठ गया है। 24 इंच के ये देखिए इस तरीके से 24 और 19, तो ये हमारा बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गया है और खूबसूरत लग रहा है। तो आप भी ऐसे इस डिज़ाइन को ऐसे ही यूज कीजिए। आप कुछ भी डिज़ाइन बनाए फ्रेंड्स, तो उसका कुछ ना कुछ यूज कीजिए। तो मैं अपना हर डिज़ाइन कुछ ना कुछ यूज करना बताती हूँ फ्रेंड्स। तो आप भी ऐसे सुंदर सुंदर डिज़ाइनों का कुछ ना कुछ यूज कीजिए, और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।